जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एज स्टडी पे। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी MRSSR AA नई भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेवी जो है कितना परसेंट पे आप लोग का एडमिट कार्ड भेज देता है, एडमिट कार्ड के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, सभी स्टेट का जो कट ऑफ होता है वो अलग अलग आता है SSR के लिए, और AA के लिए जो आता है ऑल इंडिया रैंक पे आता है। तो पूरा स्टेट का इस वीडियो में आप लोग को कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप लोग देख लेना कि वहाँ कितने परसेंट पे नेवी जो है आप लोगों को कटअप भेजता है। ये तो मैं आप लोग कटअप बताऊंगा फुल एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं। जब आज से कुछ साल पहले जो एग्जाम ऑफलाइन नेवी कंडक्ट करवाते थे उस समय के बात कर रहा हूं, ठीक ना, उस समय कितने पे आ जाता था, और उसी के अनुसार इस बार भी आप लोग का जो है दोस्तों वैसे ही कटअप रिलीज करेगी नेवी, और उसी प्रकार आप लोग को एडमिट कार्ड भेजेंगे, ठीक ना। तो आप लोग को सबसे ज्यादा सवाल आता है कि 10th और 12th में कितने परसेंट होने चाहिए सर जो कि नेवी मेरा जो एडमिट कार्ड है वो भेज देगा। और अगला सवाल है कि आप लोग का कि कम परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आएगा, तो बिल्कुल आएगा, और क्या काम करना होगा जिससे कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों, तो बस वो चीज आप लोग को करना होगा। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर नेवी की आप लोग को क्लास भी देखने को मिलेगा जल्द आप लोग को दोस्तों। ऐसे 26 से यहां पर आप लोग को क्लास स्टार्ट होने वाले हमारे सेकेंड चैनल पर नेवी SSR AA और MR के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर क्लास करना चाहते हो 26 अप्रैल से तो आप लोग जाकर वहां पर विजिट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक ना। तो चलिए हम चलते हैं, PDF को ओपन करते हैं जो मैंने एक कट ऑफ बनाया है पूरा स्टेट के लिए, और कट ऑफ कैसे बनते हैं मतलब नेवी वाले कैसे सेलेक्ट करते हैं हर स्टेट से बंदे को, वो भी इस वीडियो में आप लोग जान जाओगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, हो सके तो एक लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे, अभी हम बात करने वाले SSR AA के लिए जो एडमिट कार्ड कट ऑफ रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहला बात यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ समझ लीजिए आप लोग, सबसे पहले कट ऑफ जो है कैसे बनते हैं, और हर स्टेट के लिए जो वैकेंसी होती है वो अलग अलग आती है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा SSR के लिए जो होती है ना दोस्तों कट ऑफ, वो स्टेट वाइज होती है, मतलब हर स्टेट में जो कट ऑफ होते हैं वो अलग अलग बनते हैं, जबकि AA के लिए जो होते हैं कट ऑफ दोस्तों ऑल इंडिया रैंक पे होते हैं, मतलब बस इसका एक ही कट ऑफ होता है, ठीक ना। तो वो होगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे AA के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि ये ऑल इंडिया रैंक पे होते हैं तो बस एक ही कट ऑफ होगा, ठीक ना। बाकी बात हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कट ऑफ बनते कैसे दोस्तों, इस बात को आप लोग समझिए। देखिए जो कट ऑफ होते हैं ना दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्टेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बिहार मान लिया, ठीक, यहाँ पर एक बिहार एक स्टेट है, तो बिहार के अंदर बहुत सारे बंदे फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपको पता है इस स्टेट से बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं फिल, तो इस स्टेट से जब फॉर्म फिलअप हुए बहुत ज्यादा, तो इसमें फॉर्म डाले क्या 45% वाले भी डाल दिए, 50% वाले भी डाल दिए, 60% वाले डाल दिए, ऐसे करके 70, 80, 90, मतलब कि यहां तक 95, 97 जितना होता है वहां तक फॉर्म फिलअप कर दिए बच्चे। अब जो होगा नेवी जो करेगा सबसे पहले, मतलब जिनका भी 12th में हाई परसेंटेज होगा दोस्तों, जिनका भी 12th में हाई परसेंटेज होगा, सबसे पहले उनका जो है एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, मतलब सबसे पहले उनको सिलेक्ट। जैसे 95% वाले 10 कैंडिडेट है, तो पहले इन 10 कैंडिडेट को वो पहले लेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि 94 वाले, फिर 5 कैंडिडेट, तो फिर ऐसे करके 5 कैंडिडेट को लेगा, तो वैसे ही करके धीरे धीरे कमाते जाता है, और ऐसे ही करके वो क्या करते हैं, एक जो है लिमिट में वो क्या कर लेते हैं, वो बच्चे को ले लेते हैं। जैसे कि मानते हैं बिहार के अंदर आप लोग को देखने को मिल गया दोस्तों 400 सीट आई, ठीक ना, बिहार के अंदर जैसे 10,000 बच्चे को बुलाएंगे तो 400 सीट इसमें बिहार को दे दिया, ठीक ना, तो इस 400 सीट या 500 सीट दे दिया तो इसका सीधा मतलब 4 गुना बुलाएगा, तो यहाँ से बिहार से जो कैंडिडेट को बुलाएगा वो लगभग 2,000 या 3,000 के करीब में यहाँ से बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। तो 2,000 से 3,000 में देखेगा कितना बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा है, पहले उसको ले लेगा, और इतना में 2,000 आ जाता है परसेंटेज कम करते करते, उसके बाद बंद कर देगा, और इतना ही बच्चे को मेडिकल PFT और एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो बस ऐसे करके हर स्टेट में सिलेक्शन की प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए कि हर स्टेट के जो वैकेंसी आती है ना वो अलग अलग आती है, जैसे कि बिहार में 500 आया, यूपी में भी 500 आया, तो ऐसे करके हर स्टेट के जो होते हैं कट ऑफ, जैसे कि हो गया आसाम तो यहाँ बहुत कम फॉर्म भरते हैं, नागालैंड हो गया यहाँ पे कम फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर 40 वैकेंसी या 50 वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा, उतना नहीं लेकिन इतना ही देखने को, मतलब हर स्टेट में जो वैकेंसी आती है अलग अलग आती है, इसलिए कट ऑफ जो होते हैं वहाँ के अलग अलग बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये जो कट ऑफ है दोस्तों SSR के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ है। अभी हम MR के भी एनालिसिस करके आप लोग को बता देंगे कि सभी स्टेट का क्या है, उसका भी वीडियो बन जाता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक ना। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते, देखिए आंध्र प्रदेश के लिए जो रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 72%, जिनका भी 12th में अगर 72
2% है उनका जो एडमिट कार्ड वो आ जाएगा, ठीक ना। और आप लोग को SSR और डबल ए के लिए जो आप लोग को होना चाहिए ट्वेल्थ में, ये भी बहुत पूछते हैं, तो इसमें मतलब कि PM जिसको बोलते हैं फिजिक्स और मैथ, इसमें भी PM ये दोनों सब्जेक्ट होना कंपलसरी, ये आपके सब्जेक्ट में होना जरूरी है। अगर नहीं है जिनके पास मैथ वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक ना। और आपके पास ये दोनों है तो आप लोग इजिली फॉर्म भर पाओगे। इसके अलावा आप लोग केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बायोलॉजी, या कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस, इसमें से इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग के पास होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लेना हर स्टेट से और बता देना कि आप लोग किस स्टेट से और आप लोग का इतना परसेंटेज है या नहीं है, ठीक ना। अगर नहीं है तो फिर आप लोग को क्या करना है वो भी बताऊंगा अंतिम में, ठीक ना। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए 70% जाएंगे, आसाम के लिए 70%, बिहार से जाएंगे दोस्तों 80% जाएंगे कट ऑफ, ठीक ना। अब 80% क्यों जाएंगे यहाँ से कट ऑफ, देखिए मतलब पिछले 3 साल की अपेक्षा करें जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तो यहाँ पे 77% जिनका रहता था उनका एडमिट कार्ड आ जाता था, लेकिन उसके बाद एग्जाम हुआ है तो आप लोग देख सकते हो बिहार में बहुत छार हो गया नंबरों का, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे हैं बिहार के स्टूडेंट। तो 3-4 साल में जो कट ऑफ है, मतलब बच्चे की संख्या भी बढ़ी है उसमें, मतलब कि ट्वेल्थ में उनका नंबर अच्छा खासा आया, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 80% जिनका है तो बिहार से उम्मीद रखना कि आप लोग का जो है एडमिट कार्ड वो आ जाए, ठीक है ना। बाकी बात मैं बताऊंगा जिनका कम परसेंटेज उनका क्या करना है। 36 गढ़ से हैं जो, उनको कम से कम 70% होने चाहिए। गोवा से 62%, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोग सुन लो, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से फॉर्म होते हैं ना बहुत कम फिल होते हैं, और फॉर्म कम फिलअप होने के कारण यहाँ पे 62% काफ़ी है, इतना परसेंटेज है तो आप लोग एडमिट कार्ड आने का पूरा पूरा चांस है दोस्तों। बाकी बात गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 73%, हरियाणा की बात करें तो 87% मैंने किया है, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है हाई है, बहुत सारे अच्छे नंबर लाते हैं बच्चे, और यहाँ पर इतना परसेंटेज तो जाना तय ही है, ठीक ना। बाकी बात यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के तो 70%। अब देखिए जम्मू कश्मीर का मैंने 60% क्यों लिया, अब देखो कि जम्मू कश्मीर से वहां पे ज्यादातर संख्या जो मुस्लिम का है, ठीक ना, तो वहां पे बहुत ऐसे कम होते हैं कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत जाते हैं लेकिन ज्यादातर होते हैं कि बहुत बहुत कम की संख्या में डिफेंस के अंदर जाते हैं। अगर जाते भी तो वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, नेवी बहुत कम ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स बहुत कम ज्वाइन करते हैं, आर्मी भी बहुत कम ज्वाइन करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक ना। इसलिए वहां का प्रोसेस भी गजब है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आर्मी का कुछ अलग ही है। तो यहां पर 60% जिनका है जम्मू कश्मीर से, उम्मीद रखो आप लोग का आ जाएगा। झारखंड से 77% जिनका है ट्वेल्थ में उनका आ जाएगा। कर्नाटक 75%, केरला की बात करें तो यहां पर 80% होना चाहिए केरला के। मध्य प्रदेश के लिए भी 80% होना चाहिए, अगर मध्य प्रदेश से हो तो 80% आप लोग के होने चाहिए। बाकी बात महाराष्ट्र की बात करें तो 78% है, तो आप लोग का एडमिट कार्ड आने का चांस है पूरा पूरा दोस्तों। बाकी बात मणिपुर की बात करें तो 64%, सब अपना स्टेट देखते जाना और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग किस स्टेट से हो। बाकी बात मेघालय के 68%, मिजोरम 65%, नागालैंड 60%। यहाँ के कट ऑफ सुनोगे ना जब एग्जाम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब 11-12 नंबर पे जो है मेरिट बन जाते हैं दोस्तों, मतलब कि पासिंग मार्क हो जाते हैं, कट ऑफ पार कर जाता है और इन लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे 60% बहुत कम, इतना कम फॉर्म फिलअप होते हैं ना ये सब स्टेट में, इस सब स्टेट में बहुत कम फिलअप होते हैं फॉर्म दोस्तों। ये सब स्टेट जितनी भी आप लोग देख रहे हो 60-64 मैंने लिखा है परसेंटेज, ये बहुत काफ़ी, इतना परसेंट वालों को एडमिट कार्ड कन्फर्म है कि आएगा दोस्तों। उड़ीसा से 75% है तो आप लोग का एडमिट कार्ड आने का चांस है। पंजाब से 70% वाले को, राजस्थान 80% जिनका है उनका राजस्थान से आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिक्किम से 64% वाले को आ जाएगा, तमिलनाडु से 79%, तेलंगाना से 74% है, तो उम्मीद रखना कि आप लोग का आ जाएगा पूरा पूरा। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 65%। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से दोस्तों 80% होनी चाहिए आप लोग को ट्वेल्थ में, और उत्तर प्रदेश वाले के लिए 80% होने चाहिए, वेस्ट बंगाल के लिए 70% आप लोगों को होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखोगे तो ये सब है मतलब केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार की बात करो तो 65% यहाँ पे काफ़ी है क्योंकि फॉर्म बहुत कम फिलअप होते हैं यहाँ से दोस्तों। दादा एवं नगर हवेली से 65%, दमन एवं दीव से 63% तो हो जाएगा, दिल्ली आ गया इसमें, दिल्ली के अंदर परसेंटेज बढ़ जाएगा, एडुकेशन लेवल अच्छा है और बहुत फॉर्म डालते हैं वहाँ से, तो 70% पे उनका चांस है क्या जाएगा। बाकी बात यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करें तो 64% है तो आप लोग को आ जाएगा, पुडुचेरी से 65% है तो आपको आ जाएगा। देखिए फॉर्म जो होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ भरे जाते हैं, जहाँ पे फॉर्म कम भरे जाएंगे वहाँ पे वैकेंसी भी कम देखने को मिलेगा दोस्तों, जैसे हो गया नागालैंड, हो गया मणिपुर, हो गया आइजोल, हो गया ये सब स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 60-70 के करीब में वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। लेकिन कोई कोई स्टेट ऐसा है कि जहाँ पे फॉर्म बहुत फिल होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, बिहार हो गया, फिर से उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर से महाराष्ट्र हो गया दोस्तों, फिर से बात करें हरियाणा की, तो ये सब स्टेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी में 400 देखने को मिलेगा तो किसी में 300 वैकेंसी देखने को मिलेगा, तो किसी में 500 वैकेंसी देखने को मिलेगा, और ठीक इतना ही 500 वैकेंसी देखने को मिलेगा, और इसी का मतलब 3 गुना या 4 गुना बच्चा वो अपने पास बुलाते हैं, मतलब कि एडमिट कार्ड उन्हीं का भेजता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 3 गुना या
बस उससे ज़्यादा नहीं, मेरे को लगता है 2 गुना या 3 गुना इसका बुलाते हैं बच्चे को हर स्टेट से, बाकी बात किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो समझ जाओ कि जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड से 400 वैकेंसी आई उत्तराखंड में, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1200 बच्चे को शायद बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा बच्चा को नहीं बुलाया। ऐसे करके ही 10,000 कैंडिडेट को मतलब कि वो बुलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हर स्टेट में जो वैकेंसी बहुत कम आते हैं, कोई कोई स्टेट है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा आता है, ठीक ना। तो इसी कारण वो अपना एक जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस वो कर लेते हैं, कितना वैकेंसी डालना है वो उन पर निर्भर करता है। अब हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 300 ही वैकेंसी देखने को मिले, हो सकता है कि 200 ही वैकेंसी देखने को मिले, तो वो उन पर डिपेंड करता है वो कितना वैकेंसी वहां पे देते हैं, वो अपना खुद सीट मैनेजमेंट करेंगे, ठीक ना। बाकी बात ये बहुत ऐसे स्टेट है जहां पे कम बताया, तो यहां पे बहुत कम देखने को मिलेगा, ये सब जगह पे बहुत कम देखने को सीट आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। आई होप कि मैंने जितने भी स्टेट थे यहां पर आप लोगों को बता दिया, अगर कोई भी स्टेट छूट रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। और आप लोग जरूर बताना कि आप लोग किस स्टेट से हो और आप लोगों को कितना परसेंट है, आप लोग एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। अब देखो कि अब मैं बात करता हूं कि एडमिट कार्ड आए या नहीं आए दोस्तों, फॉर्म आप लोग को जरूर फिल करना है, ठीक ना। ये मैं एक एक्सपेक्टेड कटअप बताया हूं जो कि दोस्तों पिछले साल जैसे नेवी लेते थे, पिछले साल जब ऑफलाइन एग्जाम होती थी, तो उस साल का मैं कट ऑफ देख के आप लोग को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ और यही कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों। तो ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है 1% आगे हो जाए, 1% कम हो जाए, तो आप लोग को फॉर्म जरूर फिलअप करना है दोस्तों। और बात करते हैं यहाँ पे कि अब कुछ स्टेट ऐसे है जहाँ पर आप देखो बिहार 80% हमने लिखा है, अब जिनका 60% होगा वो भी फॉर्म डालना दोस्तों, ठीक ना, एडमिट कार्ड आए या नहीं आए, ठीक ना। अब देखो कि हो सकता है तो आप लोग को एडमिट कार्ड आने का चांस भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आप लोग को नहीं आएंगे। अब परसेंटेज वाले सोच रहे होंगे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आएगा कम परसेंटेज वाले, जहां जहां मैंने बताया कम परसेंटेज उनका कंफर्म है, जैसे कि मणिपुर 64%, ये कम बहुत कम परसेंटेज है, तो इनका एडमिट कार्ड आ जाएगा जो भी मणिपुर से होंगे, तो वो उनका एडमिट कार्ड आएगा। दूसरा यहां पे आप लोगों को क्या काम करना है जिससे कि एडमिट कार्ड हो सकता है तो आ सकता है दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, बस आप लोगों को फॉर्म डालना होगा और छोड़ देना होगा कि फॉर्म मतलब कि अब निवे डिपेंड करेगा कि उससे स्टडी कट ऑफ कितना जाती है, अगर होगा आपको उतना के अंदर तो आप लोगों को आ जाएगा, नहीं तो नहीं आना है, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो मैंने बता दिया कि 60% वाला का एडमिट कार्ड आ जाएगा, देख लियो कि आप लोग कौन कौन स्टेट में 60-64% पे एडमिट कार्ड आ जाता है दोस्तों। आई होप कि सारा चीज मैंने क्लियर कर दिया, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, एक लाइक और एक शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, नेवी की क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।